रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर एक जगह है, वहां पर उर्स चल रहा है। उर्स का ये 795वां साल है। रीवा से कुछ लोग पैदल गए हैं, ये बाबा के प्रति उनकी आस्था ही कही जा सकती है। उन्होंने जो मन्नत मानी थी वो पूरी हो गई, जिसके चलते वो काफी अरसे से रीवा से मुकुंदपुर का सफर पैदल करते हैं। ऐसी ही एक टीम से हमने बात की, देखिए उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। आपको आपके स्क्रीन पर एक चीज दिखाऊंगा, शाह ताजुल औलिया हजरत मोहब्बे अली मुकुंदपुर शरीफ। यहाँ पैदल जाने वालों का एक काफिला है, रास्ते में पहुँच गया है। ये काफिले में जितने लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने के लिए, आखिर आज ये लोग मुकुंदपुर की ओर क्यों जा रहे हैं। मैं शुरुआत करूँगा संजय जी से। संजय जी, आज मुकुंदपुर की ओर क्यों? जावेद जी, पहले से धन्यवाद आपका, जो आप लोग आके हम लोग को यहाँ पे जानकारी ली। हम मुकुंदपुर जा रहे हैं, बाबा का उर्स है, चादर के लिए, चादर पोसी करने के लिए पैदल अपने वार्ड 21 से छोटी दरगाह के पास से। सवाल यही है, हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ गाड़ियों का लगातार काफिला दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी एक गाड़ी है, लेकिन उसमें बैंड और तमाम तरीके के सामान है, पैदल ही क्यों? ये अपनी मान्यता होती है कि हम लोग मोहल्ले वाले ने एक बार प्लान किया, आज ये 10 सालों से हम लोग कंटिन्यू पैदल जाते हैं। बाबा के मन्नत मांगे थे कि अपने वार्ड में रीवा में सुकून और चैन रहे, इसके लिए हमने अपने वार्ड से बाड़ी के छोटी दरगाह के पास से पैदल मुकुंदपुर के लिए जाते हैं। हमने मन्नत मांगी थी अपने शहर के अमन चैन के लिए, वो अमन चैन बरकरार रखें, उसके लिए हम लोग जाते हैं। जी, हम लोग सबके साथ मिलकर बाबा साहब को चादर चढ़ाने जा रहे हैं, और ये कई वर्षों से 21 वार्ड से के लोग इकट्ठा होके और बाबा साहब को जाते हैं चादर चढ़ाने। आपको फिर पसंद। कई सालों से ये काफिला लगातार दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ महिलाएं भी हमको दिखाई दे रही हैं, हम पहले उनसे हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? मुकुंदपुर जा रहे हैं। क्यों? बाबा की क्या कहते हैं, चादर पोसी करने, बाबा की चादर पूरी करने, वहाँ इनसे मांगने, बाबा की चादर पोशी करने महिलाएं लगातार कहाँ जा रही हैं? मुकुंदपुर जाने का लगातार। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मैं कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पैदल पैदल जा रहे हैं, यहाँ बैठते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? बाबा को चादर चढ़ाने जा रहे हैं। बाबा को चादर चढ़ाने यहाँ पर लोग लगातार जा रहे हैं, बताइए जी। चादर चढ़ाने जा रहे हैं, चादर चढ़ाने, ये बाबा का कर्म है। ये लगातार कई वर्षों से हम लोगों को एहसास ही नहीं होता, और जब भी उनका बुलावा आता तो हर साल हमको बुला लेते हैं। हम तो 58 साल के, हमारी तो एकदम हिम्मत नहीं होती सीढ़ी चढ़ने की, और विपनिया तक सोचे थे, लेकिन ये उनका कर्म है कि हर वर्ष ऐसे तो हम लोगों को वहाँ तक बाबा बुला लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। लगातार हम लोग आते जाते रहते हैं, साल में एक बार आप साल में एक बार आते हैं, और बाबा हर साल हम लोगों को बुलाते हैं। 786 उर्स था जब बाबा था उलूस है, हम लोग तो बाबा बुलाए, वो भी पैदल, और आज उनका तीसरा तुल है। क्या नाम है आपका? उजेश सोलादर। शाही संदल पैदल निकल रहा है, और ये 21 वाट से जो है तो निकलता है। 21 वाट से निकलता, बताइए जी। 21 वाट से निकलता है, छोटे छोटे बच्चों का हौसला जा रही है, 7 साल के हैं। हेलो, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 10। कहाँ जा रहे हैं? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उजेश सोलादर। छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम लोग रीवा से चले हैं, 20 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, आधा सफ़र इन्होंने तय कर लिया है, अब आधा सफ़र इनको तय करना है। मुकुंदपुर में आज बाबा का तीसरा उर्स है, हम आपको मुकुंदपुर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे आज वहाँ किस तरीके का नज़ारा है। अब मैं यहीं से आगे के सफ़र के लिए चलता हूं, अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मुकुंदपुर में। अभी आप देख रहे थे मुकुंदपुर उर्स का नज़ारा, वहां पर जाने वाले जायरीनों से बातचीत, इसको कहते हैं आस्था, आस्था का सैलाब। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए, हमें लगातार उत्साहित करिए, जिससे हम इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही।